उत्तराखंड में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बड़े नेताओं के राज्य के दौरे तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के तमाम दिग्गज नेता इन दिनों उत्तराखंड भ्रमण पर हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर, जबकि 1 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। वहीं पर 2 दिवसीय दौरे पर कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं के उत्तराखंड भ्रमण से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में काफी उत्साह है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर देश एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करेंगे, जबकि गृहमंत्री अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक और 49वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस की बैठक में शामिल होने के बाद भाजपा मुख्यालय में भाजपा सोशल मीडिया और IT सेल की टीमों को संबोधित करने के साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को सक्रिय भी करेंगे। इसके अलावा प्रदेश संगठन पदाधिकारियों के साथ ही प्रदेश सोशल मीडिया, IT सेल और सातों मोर्चों के सोशल मीडिया पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें लेंगे। शाह और योगी के बाद पीएम मोदी का 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ का प्रस्तावित दौरा है। पीएम मोदी जागेश्वर धाम से कुमाऊं यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन के बाद ITBP के जवानों के से भी मिलेंगे। पिथौरागढ़ स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार और संगठन तैयारियों में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं के दौरे पर तंज कसा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनाव की घड़ी नजदीक है, इसी को देखते हुए भाजपा के तमाम दिग्गज नेता इन दिनों उत्तराखंड भ्रमण पर हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जबकि 1 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। वहीं 2 दिवसीय दौरे पर कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं के उत्तराखंड भ्रमण से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में काफी उत्साह है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ का प्रस्तावित दौरा है। पीएम मोदी नारायण आश्रम के साथ मायावती आश्रम और जागेश्वर धाम भी जाएंगे। वह यहां आने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। वहीं CM धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री के आने से निश्चित तौर पर कुमाऊं की पर्यटन गतिविधियों को भी गति मिलेगी। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जागेश्वर आ रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो मायावती आ रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो आदि कैलाश जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है और उनके आने से जहां उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ा अवसर हमको मिलने वाला है, अवसर हमारे सामने आने वाला है, वहीं देश दुनिया के लिए भी तीर्थाटन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा जो मानस खंड मंदिर माला मिशन है और मंदिर मानसकंड सर्किट है, उस पूरे सर्किट के दर्शन पूरी दुनिया आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उनका ध्यान जाएगा और करेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को जागेश्वर धाम से अपनी कुमाऊं यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन के बाद ITBP के जवानों से भी मिलेंगे। पीएम मोदी पिथौरागढ़ स्टेडियम में सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री लोहाघाट में मायावती आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे, जबकि 13 अक्टूबर की सुबह पीएम मोदी दिल्ली लौटेंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा मुख्यालय में भाजपा सोशल मीडिया और IT सेल की टीमों को संबोधित करने के साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को सक्रिय भी करेंगे। इसके अलावा प्रदेश संगठन पदाधिकारियों के साथ ही प्रदेश सोशल मीडिया, IT सेल और सातों मोर्चों के सोशल मीडिया पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें लेंगे। पार्टी ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं कांग्रेस इस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। हमारी भारतीय पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड का 1 दिवसीय दौरा उत्तराखंड में है और इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में उनके द्वारा हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया एवं सोशल मीडिया की टीम, सभी सातों मोर्चों के मीडिया एवं सोशल मीडिया की टीम के साथ वो बैठक लेने वाले हैं और इस बैठक में
हमारे प्रदेश के सुशील मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी भी उपस्थित रहेंगे इस बैठक में। उनके द्वारा हमारी जो मीडिया और सोशल मीडिया की जो टीम है, उस टीम को उनका मार्गदर्शन प्राप्त मिलने वाला है। निश्चित रूप से आगामी चुनाव को लेकर के जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय और प्रदेश स्तर की तैयारी चल रही है, उसकी भी समीक्षा भी करेंगे कि देश में जहाँ होम मिनिस्टर की और प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है वहाँ नहीं जाते। इनके ध्यान में केवल और केवल चुनाव है। मणिपुर जल रहा है, आज भी जल रहा है। मणिपुर में जो हमारी बहनों के साथ हुआ, जो स्टूडेंट लीडर्स के साथ हुआ, जो पत्रकारों ने दिखाया है, वो निश्चित ही देश को चिंता में डालने वाला है। ऐसा जघन्य अपराध तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ कि 100-100 स्त्रियों को निर्वस्त्र किया जाए, उनको मारा जाए, और ऐसे में प्रधानमंत्री वहाँ नहीं है। होम मिनिस्टर ने भी आग को ठंडा करने के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है, नहीं तो 3-4 महीने तक कोई राज्य ऐसे जलते हुए नहीं रह सकता। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे यही कहना है, पूरा हिंदुस्तान आज मणिपुर की घटना की वजह से तकलीफ में है। आपकी आवश्यकता मणिपुर में है, उत्तराखंड को छोड़िए और मणिपुर का रुख कीजिए। कुल मिलाकर चुनाव से पहले भाजपा पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के रंग में रंगती हुई नजर आ रही है। प्रदेश नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व का भी पूरा साथ मिल रहा है। इससे साफ है कि भाजपा 2024 के चुनाव में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो फिलहाल कांग्रेस जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन धरातल पर कांग्रेस की तैयारी कुछ खास नजर नहीं आ रही है। देखना होगा कि 24 का दंगल किसके लिए मंगल साबित होता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे इन्हीं दिग्गजों के दौरे को लेकर, साथ ही साथ ये क्या चुनावी समीकरण है उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है इस पर भी बातचीत करेंगे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बार बार सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बीमार बार साथ जुड़ चुके हैं सुनीता विद्यार्थी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश रस्तोगी जी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस से हमारे साथ फिलहाल नहीं है, आगे जुड़ेंगे। संगीता शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनिल थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरधर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत सुनीता जी आपसे ही करेंगे, बीजेपी के तमाम दिग्गजों का उत्तराखंड दौरा है और विपक्ष को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही है। विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। अगर बात करें तो साफ कहना है कि अगर प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं तो उत्तराखंड को कुछ ना कुछ सौगात देकर जरूर जाएं। साथ ही साथ केंद्र का साथ नहीं मिल पा रहा है उत्तराखंड की जनता को, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सुनीता जी। जी जी, सुन पा रही है मुझे? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सवाल यही था कि दिग्गज नेता जो हैं वो एक के बाद एक उत्तराखंड दौरे पर हैं और चुनावी बिसात जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिछनी शुरू हो गई है। कांग्रेस को इससे आपत्ति है, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर उत्तराखंड आ रहे हैं तो उत्तराखंड की जनता को सौगात देकर जाए। अब चूंकि 2024 के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है तो ऐसे में क्या जनता को सौगात मिलेगी? डेफिनेटली, देखिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा दौरा आपने देखा है कि पहले भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब जब उत्तराखंड आए हैं यहाँ पे उन्होंने हमेशा ही बहुत, आप देखते हैं कि लोकार्पण और शिलान्यास की जिस प्रकार से झड़ी लगती है वो हम सबके सामने उसका उदाहरण रहता है। और अभी निश्चित रूप से हमारे पिथौरागढ़ में जो उनका दौरा लगने वाला है उसमें बहुत सौगातें उत्तराखंड प्रदेश को मिलने वाली हैं और उनसे हमारे प्रदेश के हित में जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो ऑलरेडी यहाँ सेंट्रल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन विषयों पर जो है लगातार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी है जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनके शिलान्यास और लोकार्पण का लगातार सिलसिला चल रहा है। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि कल भी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आना हुआ और आज उनका भी यहाँ पे नरेंद्र नगर में जो है। सुनीता
सुनीता जी सुन पा रही हैं? ठीक है, लगता है सुनीता जी का कुछ नेट इशू है, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। संगीता जी देखिए, अभी दो दिन पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी और अब चूंकि दिग्गज नेता जो है वो पहुंचना भी शुरू हो गए, अमित शाह जी का भी दौरा है। ठीक है सुनीता जी, मैं वापस आऊंगी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अगर हम बात करें संगीता जी, तो देखिये अमित शाह जी भी आ रहे हैं यहाँ पर, उनकी बैठकें जा रही हैं, प्रधानमंत्री का भी प्रस्तावित दौरा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, तो बीजेपी कहीं ना कहीं पुरजोर तैयारी में नजर आ रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए यशी जी, बीजेपी बस चुनाव की ही तैयारी में रहती है, जनता के लिए काम हो या ना हो इससे इनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि इनको केवल एक सत्ता पानी है, बाकी जनता बाद में त्राहीमान वो खुद को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यशी जी, ये एक अच्छी बात है कि कुछ लोगों को जरूर इसका फायदा मिला, क्योंकि सड़कों की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या अक्सर एक मुद्दा रहा है उत्तराखंड के लिए। लोहाघाट की एक सड़क है यशी जी, वो 6 साल से गांव वाले गुहार लगा रहे थे कंटिन्यू 6 साल से उसके लिए कि भाई वो रोड बना दो, परेशानी हो रही है, लेकिन अब वो 10 दिन में बन रही है यशी। तो प्रधानमंत्री जी के दौरे से गांव वालों का ये जरूर फायदा हुआ, उसके लिए सुनीता जी का धन्यवाद कि अब 10 दिन में सड़क बन गई जो 6 साल से नहीं बन पा रही थी। तो देखिए ये कम से कम गांव वालों को ऐसे दौरों से ये फायदे मिलते हैं। वैसे भले ही भारतीय जनता पार्टी काम करे ना करे, लेकिन जब नेता आएंगे तो सड़क अच्छी दिखानी है तो काम होगा, तो उसका फायदा बाद में गांव वालों को भी मिलेगा। और देखिए यशी जी, ये चुनावी ही दौरा है, अब प्रधानमंत्री जी आएंगे, वहां के गांव वालों ने बहुत आस लगाई हुई है, क्योंकि नारायण आश्रम में माननीय मोदी जी को जाना है, तो वहां कई सड़कों के लिए भी गांव वाले परेशान है, वो लगातार फूड बेल्ट उसको घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं, तो बहुत सारी उनकी समस्याएं हैं। अब देखते हैं कि उन गांव वालों की आस को प्रधानमंत्री जी कितना पूरा करके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत आस लगाई है कि अब प्रधानमंत्री जी तो हमें कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन देखिए 9 साल से सरकार जो केंद्र में चल रही है और यहाँ भी 7 साल अब होने वाले हैं, तो जो भी सरकार चल रही है उसमें कितना काम हुआ है वो यहाँ की जनता भली भांति यशी जी जानती है। फिर चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तमाम मुद्दे हैं, और यहाँ तो स्वास्थ्य और सड़क दो भयाभय समस्याएं हैं। और एक चीज यशी जी मैं और ध्यान आपका आकर्षित करूंगी कि बार बार ये सुनने में आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो भाई पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा पिथौरागढ़ जिले, पिथौरागढ़ जिला जो है वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी आएंगे लोगों में एक मैसेज जाएगा, वहां जिला जो है वो प्रसिद्ध होगा, लेकिन यशी जी देखिए वहां की जो सड़क है मैं उसकी बात करूंगी, एक भैरम पट्टी है वहां से जोड़ने वाली सड़क है, वो लगातार टूटी हुई है, और अभी कल और परसों की ही बात है कि मुनस्यारी की बानी की एक जगह है वहां की एक सड़क है, भैरम पट्टी तो टूटी है, वहां तो 15 किलोमीटर में हजारों गड्ढे हैं, पिथौरागढ़ की बात बता रही हूँ यशी जी केवल। और जो मुनस्यारी की बानिक जगह है वहां पे पर्यटक आते हैं लेकिन वो वापस चले जा रहे हैं क्योंकि सड़क जो है वो टूटी हुई है, वो आगे नहीं जा सकते वहां से। तो 15 दिन में आप सोचिए वहां पे 17 वाहन फंसे, 233 लोग जुलाई और सितंबर में ही जो पर्यटक हैं वो वापस जा चुके हैं। तो हम किस तरह का मैसेज उत्तराखंड दे रहा है, क्योंकि धरातल पर काम नहीं है। मैं यही कहूंगी कि बीजेपी बातें बहुत करती है, बड़े बड़े प्लान लेकर के आती है, लेकिन वो धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। ये शगुफा जरूर होगा कि अब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन मैंने आपको उदाहरण दिया पिथौरागढ़ जिले का ही कि वहां सड़क टूटी हुई है, 233 पर्यटक वापस हो चुके, तो भाई आप माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे केवल तभी सड़कें बनाएंगे, उसका लाभ जनता को भी मिलेगा कि आप ये काम अगर पहले से करते तो जनता आपके लिए सर्वोपरि थी। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि जो हमारे नेता लोग हैं वो तो हमारे लिए सर्वोपरि है, तब विभाग भी जुट जाता है, वहां के जनप्रतिनिधि भी जुट जाते हैं, लेकिन जनता की जब समस्या होती है तो कोई आगे आने को तैयार नहीं होता और सब कुछ जस का तस पड़ा रहता है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो आप देखते हैं यशी जी, रक्षा मंत्री जी भी आ रहे हैं, क्योंकि जहां देखिए लगातार चुनावी ही दौरे चल रहे हैं, काम की कोई बात नहीं हो रही है क्योंकि 2024 सामने है, तो अब कितना काम हो पाएगा जो समय बचा है ये तो भाजपा जाने और भगवान जाने यशी जी, मैं तो यही कहूंगी। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। राजेश रस्तोगी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल थपलियाल जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए यशी जी, ये तो एक जैसे मैं पिछली बार भी कह चुका हूँ कि ऐसी तैयारियां हो रही हैं कि जैसे विकासशील नहीं विकसित प्रदेश है, कि कभी कोई आपने देखा हो बड़ा फंक्शन होता है किसी स्टेट में या किसी बड़े आदमी का,
राज्य स्तर का जो स्टेट लेवल का होता है, तो बड़े मालाएं रोल वगैरह सारा सफेदी वगैरह ये सब लग जाती है। आज मैं आ रहा था अपने कार्यालय से तो मैंने देखे करीबन तक गड्ढे जो स्मार्ट सिटी को दर्शा रहे थे वो भी बंद हो गए हैं। बड़ी मेहरबानी, कम से कम दो चार बार पंचर हो गया, एक दो दस आदमी को बुला के मैंने अपना वाहन भी वहां पे आगे पीछे करवाया था। कभी सवाल इस बात का है कि उत्तराखंड दौरा और दिग्गजों का है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हैं उत्तर प्रदेश के, और बड़े यशस्वी युवा और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं, तो कुछ अपेक्षा तो रख सकते हैं क्योंकि कुछ ज्ञान तो मिलेगा उनसे कि प्रदेश की प्रगति कैसे होती है, गति प्रदेश की जो विकास की गति है वो कैसे चलती है। तो मुझे लगता है कि उनका आना तो एक सौभाग्य की बात है आदित्यनाथ जी का। रहा अमित शाह जी का, तो श्री अमित शाह, अनिल जी आपको क्या लगता है, गृह मंत्री के पास ज्ञान की कमी है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के पास ज्ञान है? उनको बोल रहा हूँ, गृह मंत्री जी आए हैं तो गृह मंत्री जी सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर हैं, वो भी हमारा सौभाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनपे बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं, जनता की भी हमारी। अब ये चर्चा कब तक होती रहेगी कि वो जो आ रहे हैं वो जो ये बेरोजगारी जो पिछली बार भी मैंने चर्चा उनपे लाठियां बांधी गई थी, उनपे मल्लम लगाने आएंगे या उस समस्या का समाधान करेंगे, या बेरोजगारी में कुछ प्रगति रहेगी, या युवा जो भटक रहे हैं जिनको जेलों में बंद किया, या कुछ क्या क्या स्ट्रेटजीज रहेगी, वो तो ये लोकसभा 2024 का चुनाव बताएगा। आपदा पीड़ित जो मैंने बताया था कि रोड पे टेंट लगा के रह रहे हैं, वो आजा उनको पूरा नहीं मिला है, और आज भी वो एक आशा में बैठे, एक आस जगी हुई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और या अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो हमारे हाल देखेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि आपदा पीड़ित भी बहुत पीड़ित है, बहुत ज्यादा दुखी है। सबसे बड़ी आपदा इनके पास जोशीमठ की रही, और जो गाँव सबसे बड़ा जो हम आज तक यूकेडी चिल्लाती रही, पलायन पलायन, जल जंगल और पानी पलायन, ये प्लान जो है 3000 गांव जो 2 नवंबर 2000 से खाली हुए हैं अभी तक वीरान है, क्या उन पे कुछ विचार करेंगे जो दिग्गज आए हैं कि कैसे ये प्लान हुए, कारण क्या रहा है, या इस प्लान को रोकने के लिए अंकुश लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट की जो योजनाएं हैं वो कितनी धरातल पे उतरेंगी, कैसे होंगी, कैसे चलेंगी, कहाँ कहाँ योजनाएं थी, क्या वो अपने संबंधित मंत्रियों से इसका ब्यौरा लेंगे चर्चा से पहले, चुनाव प्रचार से पहले, मंचों पे भाषणों से पहले, क्या जनता को विश्वास दिलाएंगे कि 2024 जो रह चुकी है जितना हम कर चुके हैं, करना और कथनी में बहुत, करनी और कथनी में बहुत अंतर है, और ये सारी जनता देख चुकी है, ये टोटली स्टंट लोकसभा 2024 का चुनाव है। अब अंकिता भंडारी लव जी कम बात करें तो अंकित, इन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत ज्यादा कुछ बोला था, तो अंकिता भंडारी का जो केस है वो अभी तक भी उसको न्याय नहीं मिल पाया, उसके परिवार को भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। बीआईपी जो इनके थे उनके इनके आने से उस बीआईपी का नाम आएगा जो विपक्ष चाहता है, जो जनता चाहती है कि उनको सजा हो, जेल हो और उनको एक प्रत्यक्ष न्याय मिले, अप्रत्यक्ष न्याय नहीं, एक तरफा नहीं, पूरा न्याय मिले जिस तरह से उस लड़की के साथ में अत्याचार हुआ है। एक चीज और है, घोटालों की लिस्ट जो इनके कार्यकाल में रहा है, पिछला तो बहुत 2000 नवंबर से गिनू मैं तो इतिहासी पूरा डिबेट मेरा चले जाएगा, अन्य लोगों को समय नहीं मिलेगा, लेकिन मोटा मोटा मैं बोलूं जो इतने करोड़ के घोटाले हुए, क्या इनपे कुछ जांच पड़ताल या कुछ सीबीआई वगैरह या कुछ अन्य जांच एजेंसियां उनपे? अनिल जी आपको क्या लगता है, ये लोग जो दौरे पे आ रहे हैं ये आपके इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आ रहे हैं? सवाल जवाब का कौन है, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या कंटेस्टेंट बनकर आ रहे हैं वो कि आप हमसे सवाल पूछेगा हम आपको जवाब देंगे? देखिए ये चुनावी माहौल है और जाहिर सी बात है कि वो चुनाव की ही बात करेंगे, अगर आप ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं तो ये बेकार है। और मैं किसी भी पार्टी, मुझे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी यूकेडी, किसी भी व्यक्ति को जवाब देना अच्छा नहीं लगता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, कोई जवाब देने नहीं आता है, सब अपनी बात करने आते हैं, अपनी बात कहने आते हैं। जितने डिबेट में चर्चाएं होती है उतना लंबा चौड़ा हमने भी एक दस्तावेज बनाया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी, सॉरी ठीक है, मैं विपक्ष की भूमिका पर भी बात कर लूंगी इसके बाद, रुकिए जरा, अब आऊंगी मैं। अनिल जी, राजेश रस्तोगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा,
बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, लेकिन विपक्ष को इससे आपत्ति है, समझ में आता है, ठीक है, आपत्ति है। आपकी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, क्या वो उत्तराखंड के दर्शन करने नहीं आएंगे? क्या उनको बाबा केदार से लगाव नहीं है? आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कीजिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का आना, माननीय गृह मंत्री जी का आना, योगी आदित्यनाथ जी का आना, हम सबके लिए अच्छी बात है, गौरव की बात है। आते रहेंगे, लगा उत्तराखंड से लगाव भी रहा है, और वो लगाव रोजगार के रूप में, महिलाओं के सम्मान के रूप में लोगों को मिला है या नहीं मिला है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सबको आना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी तो जब प्रधानमंत्री भी नहीं थे तब भी उन्होंने बड़े जहाज भेज करके आपदा में मदद की है, उत्तराखंड की में अपने लोगों को बचाया भी है, दुनिया ने देखा है, सच्चाई कोई बात नहीं है। सवाल ये है, चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, अब ये समिट का आयोजन होगा, विदेशी पैसा लगेगा, अब तक सोते रहे थे, ये जो 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 अब ये करने जा रहे हैं, जो अब आ रहे हैं, जो दुनिया भर के उद्योगपति हमारे उत्तराखंड में पहुंचेंगे, फिर एक शुरुआत होगी, लोगों को उसका लाभ मिलेगा और मिलना भी चाहिए, वो कब धरातल पे उतरेगा? क्या आप तक सोते रहे? कहीं ये चुनावी स्टंट तो नहीं है? बड़ा बयान पढ़ रहा हूं मैं भी, देख रहा हूं, सरकार के बयान भी आ रहे हैं, सरकार के मंत्रियों के भी बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का भी है, दुल्हन की तरह देहरादून को सजाएंगे, तो अभी G20 हुआ था, सब जगह ऋषिकेश को भी दुल्हन की तरह सजाया गया था, अपना काम निकला और खिसक गए, बाद में किसी ने थैंक्स भी नहीं बोला हमारी सरकार का, हमारे प्रशासन का, हमारे उत्तराखंड राज्य के लोगों का, के कितना उनको प्यार सम्मान मिला, किस तरीके से रही, किस तरीके से स्वर्ग आश्रम में संवारा गया। राजेश जी, आपने मेरा प्रश्न सुना था क्या? देहरादून में भी जगह जगह वो बनाए गए। राजेश जी, आपने मेरा प्रश्न सुना था क्या? जी सुना है मैंने आपका प्रश्न, उसी का जवाब दे रहा हूँ। अन्य प्रधानमंत्री जी पहले भी आए हैं, तो आपको पहले भी काफी कुछ कह के गए थे, कुछ मिला होगा, ये समीक्षा का विषय है, मिला या नहीं मिल रहा, या खाली भ्रम फैलाने की बात कर देंगे प्रधानमंत्री जी, ये तो उनके आने के बाद जब धरातल पर उतरेगा तब भी पता चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना है, कोई बेचैनी हुई हो तो लगा हो कि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत कर दी जाए? वातावरण देख ही रहे हैं भाजपा के खिलाफ किस तरीके का है। कल ही मैं सहारा, राष्ट्रीय सहारा पढ़ रहा था, 20 रुपए डीजल का रेट उसमें सेल कंपनी ने अपना बढ़ाया है, तो सरकार राजेश जी, राहुल गांधी जी उत्तराखंड आएंगे या नहीं, मुझे ये बताइए, मुझे बताइए। राहुल गांधी जी उत्तराखंड आए? राहुल गांधी जी की तो कब आए राजेश जी, कब आए? मुझे कैसे नहीं पता चला राहुल गांधी जी कब आए थे उत्तराखंड? राहुल गांधी फिलहाल मुझे ये पता है, उनकी भारत जोड़ो यात्रा से पहले अगर आए होंगे तो आए होंगे, उसके बाद से अभी तक नहीं आए। आपदा के समय है, उत्तराखंड यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी उत्तराखंड नहीं आए, लेकिन उससे पहले आपदा के समय में राहुल गांधी जी आए उत्तराखंड। कौन सी आपदा? 2013 वाली विधानसभा चुनाव में भी मैडम आए थे, अभी ये जो विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें सरकार बनी है। फिर आप कैसे, ठीक है, चुनावी बोर्ड में जब आपके नेता रहते हैं, जब चुनाव के दौरान आपके नेता आते हैं, तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है? सिर्फ आपत्ति करने के लिए आपत्ति करनी है? हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति इस बात की है कि जो सवाल आपने किया है राहुल गांधी जी से और कांग्रेस के लोगों से, तो राहुल गांधी जी सत्ता में नहीं है। राहुल गांधी जी जहाँ सत्ता में है, लेकिन आप ये राजेश जी कैसे भूल सकते हैं कि आप विपक्ष में, आप विपक्ष में, मैं हर समय भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करूं ये जरूरी नहीं। राजेश जी मेरी बात सुनिए, विपक्ष की भूमिका में है आप, विपक्ष क्या कर रहा है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो आपने क्या तैयारी की है? सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुनीता जी से मैं भी पूछूंगी बाद में। कर्मचारियों की पेंशन बहाली कर रहे हैं जहां जहां सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं घोषणा करते उत्तराखंड से कर्मचारियों की पेंशन बहाली होगी? कितने कितने कर्मचारी वहां धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? क्या आपत्ति है उत्तराखंड के कर्मचारियों से माननीय प्रधानमंत्री जी को? अंकिता भंडारी के असली कातिल तक हाथ क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से निंदा नहीं करते हैं? मौजूदा प्रधानमंत्री है, गद्दी पे प्रधानमंत्री है, प्रचंड बहुमत के प्रधानमंत्री है,
बोलना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। चलिए ठीक है राजेश जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, उसके बाद गिरधर जी आपका रुख करूंगी मैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है, जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। जुनून कुछ ऐसा, सबको पसंद आए वैसा, अजीब है अजूबों का जहान, रोज देखेगा हिंदुस्तान, मनोरंजन नहीं सस्ता, तभी तो खास है वायरल अज्जा, देखते रहिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। हमारी खास पेशकश राजकाज में देखिए, ईडी का खौफ, विपक्ष में आक्रोश, आज रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज आप बात कर रहे हैं दिग्गजों का डेरा या चुनावी फेरा, चर्चा इसी पर, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और गिरधर जी का मैं रुख करना चाहूंगी जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। गिरधर जी कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे को, केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दौरे को, और ये तीनों ही दौरे मुझे लगता है उत्तराखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से लगातार सवाल उठा रहा है ये साफ दर्शाता है कि विपक्ष को इससे प्रॉब्लम है। और ये जो सवाल जवाब की बात लगातार हो रही है, जैसे कि मैंने थपलियाल जी से भी ये बात कही कि भाई वो आपके सवालों के जवाब देने तो नहीं आ रहे और हम उनसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि अगर वो आएंगे तो अंकिता भंडारी जी के बारे में वे कुछ कहेंगे, या फिर वो यहाँ पर आएंगे तो सड़कों पर मरम्मत करने का काम प्रधानमंत्री जी शुरू नहीं कर देंगे। तो ये जो सवाल हैं इनसे विपक्ष को कहीं ना कहीं बच के ये सोचना है कि अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं या केंद्रीय गृह मंत्री जी आए हैं तो विपक्ष का क्या काम है, विपक्ष क्या करेगा, यहाँ पर डिबेट्स में बैठकर हम ऐसे ही चर्चा करेंगे या विपक्ष धरातल पर कुछ करता नजर आएगा। बिल्कुल यशी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो योगी जी आ रहे हैं वो तो जो एक यहाँ पर मध्य क्षेत्रीय परिषद है उसकी बैठक में आ रहे हैं, हाँ जो एफआरआई में, हाँ। एफआरआई में हो रही है, वो कोई अपने बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, वो वहां पर उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी उसमें उनके गृह मंत्री जुड़ रहे हैं, और भूपेश बघेल जी तो नहीं जुड़ पा रहे हैं लेकिन गृह मंत्री जी आए उनके, और ऐसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चार मुख्यमंत्री जो जो इस परिषद के जो चार मुख्यमंत्री, चार राज्य जो इस परिषद के मेंबर है वो आ रहे हैं, तो इसको जैसा अब आप धामी जी दिल्ली जाए तो हम कहें दिल्ली का क्या विकास होगा, क्या करेंगे, दिल्ली का विकास नहीं करेंगे, वो तो काम से जा रहे हैं, तो ऐसी गृह मंत्री की एक बैठक है परिषद की, उसमें चार उसमें आ रहे हैं, तो उसमें योगी जी से ये सोच लेना कि पॉलिटिकल कोई मीटिंग में आ रहे हैं या पॉलिटिकल कोई वो सम्मेलन करेंगे या संगठन से मिलेंगे वो अलग बात है कि बीजेपी के लोग उनसे मिलेंगे, उनका स्वागत करेंगे, लेकिन वो परिषद की बैठक में आ रहे हैं, उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं। हाँ, जो गृहमंत्री जरूर अपने कार्यक्रम के बाद एक बैठक या सोशल मीडिया की या मोर्चों की कुछ बैठक ले सकते हैं, जैसे कि उनके कार्यक्रम का हमें पता चला है, उसके बारे में जरूर डिस्कस किया जा सकता है कि भाई वो उन, और ये भी बात है कि जो विपक्ष के नेता है वो उनसे भी अगर मांग करते हैं, ऐसे गृह मंत्री, ऐसे बीजेपी नेता नहीं, ऐसे गृह मंत्री भी हमारी कुछ समस्या है, चाहे वो अंकिता भंडारी की हो चाहे किसी की हो, वो उनसे समय लेकर अगर योजनाबद्ध तरीके से उनसे समय लेते कि आधा घंटा या 15 मिनट हमें दिया जाए, यहाँ के प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता है अध्यक्ष वो उनसे समय लेते और कहते कि भाई इन इन बिंदुओं पर हमें बात करनी है, शायद वो समय देते थे या नहीं देते, और अगर नहीं देते तो फिर उनका विरोध करते कि भाई हमें समय नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से योजनाबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को विपक्ष जो है अपने बहुत अच्छे तरीके से इसको ले सकता था। जहां तक प्रधानमंत्री की बात जो आपने कही,
कहीं किसी का बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी का ना, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। जहाँ पर प्रधानमंत्री की बात आपने म्यूट करवा दे इसको, बाकी सबको म्यूट करिए प्लीज। डॉगी मेरे का डॉगी होगी है कोई किसी का कहीं। तो प्रधानमंत्री की जो आपने बात कही वो जरूर मैं उसमें कहना चाहूंगा कि वो राजनीतिक भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी है। व्यक्तिगत तो वो आ ही रहे मंदिर के पास या जो भी योजना है अगर उनकी कोई उद्घाटन और होंगी, लेकिन जो मैं पॉलिटिकल उसमें एंगल देख रहा हूँ वो पूरे जो चार राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद फिर अब लोकसभा के चुनाव है, उसको मैं इस एंगल से दे रहा हूँ कि भारत हिंदुत्व का कार्ड, तो हिंदुत्व का कार्ड खेलने का प्रयास करती है तो मंदिरों में जाना, वैसे जैसे अब सभी पार्टी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री का किसी मंदिर में जाना वो बहुत ज्यादा हिंदुत्व की तरफ इशारा करता है कि भाई वो भक्त है, पूजा पाठ, केदारनाथ आते हैं वो, आप उसे व्यक्तिगत भी कहा जा सकता है भाई, केदारनाथ हर आदमी जाता है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकता, लेकिन उसको प्रचार प्रसार, उसका प्रचार प्रसार किस ढंग से किया जाता है और कांग्रेस या विपक्ष पार्टी उसको किस ढंग से उसका उसको उस प्रचार को रोकती है या उस प्रचार को के विरुद्ध दूसरा प्रचार करती है अपने फेवर में, वो देखने वाली बात होगी। ऐसे ही ये बहुत बड़ा मंदिर है, बड़ी मान्यता है जहां पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और जैसे कई कई मुझे बड़ा अच्छा लगा, कई लोगों ने ये बोला आप पार्टी की भी उसमें थी कि सड़क बन गई है, इस बहाने वो बन गया है कुछ ना कुछ, तो यह तो अच्छी बात है, चलो इसी बहाने कुछ सड़क का कुछ विकास हुआ, और उन्होंने उसकी प्रशंसा भी करी। ये भी कहना पड़ेगा विपक्ष को कि चलो उत्तराखंड के नेता कम से कम ऐसे हैं जो बहुत कटुता नहीं रखते और कुछ कुछ बड़ाई कर देते हैं, लेकिन अगर और जगह की डिबेट में देखता हूं जो राष्ट्रीय लेवल की, जो उसमें तो बहुत कटुता रहती है, सड़क भी बनेगी तो उसमें भी वो कुछ ना कुछ मुद्दा निकाल देंगे, लेकिन चलो यहाँ पर यह बात थोड़ी है कि यहाँ पर अब एक जो मेरा विशेष कहना है एक बात कि जो इंडिया बनाम एनडीए होने जा रहा है, अब चूंकि पॉलिटिकल प्रधानमंत्री वाली बात हो रही है, इसमें उत्तराखंड में कांग्रेस को एक दिक्कत आने वाली विपक्ष पार्टी को, क्योंकि उत्तराखंड की जो विलेन पार्टी रही है समाजवादी पार्टी रही है, और समाजवादी पार्टी जो है हमेशा उत्तराखंड की वो कहा जाता है कि विलेन है, इन्होंने गोलियां चलाई, इन्होंने उत्तराखंड राज्य बनने में जो शहीद हुए हैं उसमें उसकी उसकी विलेन के रूप में उन्हें घोषित करते हैं, और उसके साथ ही इनका इस बार कोअलिशन होना है इंडिया में वो भी है, उसको यहाँ पर कैसे पैचअप करेंगे ये एक विचारणीय विषय होगा और एक बड़ा कठिन विषय होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ विरोध करेंगे इसका कि हमें सपा का विरोध करना है, समाजवादी पार्टी का विरोध करना है क्योंकि वो उत्तराखंड विरोधी दल है, तो वो उसे कैसे उसे पैचअप करेंगे ये एक देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं मैं और प्रदेशों के नहीं, ये सब देखने वाली बात होगी। और जहां तक वो जो मैंने बोला कि जो योगी जी आ रहे हैं वो पॉलिटिकल, उसमें आप उस एंगल से मत जोड़िए उसे, जहां तक मेरा मानना है वो एफआरआई के अंदर गृह मंत्री कह तो रहे थे योगी जी इतने ज्ञानी पुरुष हैं, अभी कुछ ना कुछ ज्ञान देकर तो धामी जी को जाएंगे ही, हो सकता है आगे वो मील का पत्थर साबित हो जाए। व्यक्तिगत ज्ञान तो देंगे उनसे लोग भी मिलेंगे, प्रदेश का भला कैसे होगा। पॉलिटिकल एंगल नहीं, ये तो अगर लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, क्योंकि हमारी कई अच्छी बात है नेतृत्व वो कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश का ढंग से कर रहे हैं तो अगर कोई व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसको जो आपकी डिबेट का विषय था कि वो आ रहे हैं तो उसको भी क्या जाए, उसका भी इस चुनाव से मैं सोचता हूँ कि चुनाव से संबंधित सिर्फ प्रधानमंत्री का या गृह मंत्री की जो एक मीटिंग है बीजेपी के साथ उसको जोड़ा जा सकता है। अभी योगी जी का दौरा शायद इस विषय पे जोड़ना ज्यादा न्यायोचित नहीं होगा। ठीक है, हाँ एक बात जरूर है कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो जो हमारे कुछ अभी बिंदु हैं हमारे ऐसे जो जैसे कुछ बिंदु तो सुलझ गए हैं हरिद्वार में, जैसे हमारा होटल का मुद्दा था और जमीनों का मुद्दा था या पानी जल गंगा वहां का निगम है, जल निगम है, जल यूपी आज भी यूपी कंट्रोल कर रहा है, संपत्ति बंटवारा, बिल्कुल संपत्ति बंटवारे पे जरूर कुछ ना कुछ, या योजनाओं का जो बंटवारा है जो आज भी वहां पर उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सों में अधिकार, उसमें अगर वो चाहें तो व्यक्तिगत बात करके उसको एक या एक विषय चर्चा में लाके मुख्यमंत्री जी इसको रख सकते हैं। और जहां तक एक बड़ी अच्छी बात कही थी बॉर्डर्स की, तो जो ये मीटिंग हो रही है ना ये तो मध्य परिषद की, इसमें यही है क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र है सारे, इसमें यही इसी विषय पर बात है कि कैसे गांव खाली हो रहे हैं, तो उससे सुरक्षा उससे जो हमारे चीन या पाकिस्तान है वो किस तरह से उस पर
उसका फायदा उठा सकते हैं, तो वहां पर कैसे बसाया जाए उसको या उसकी सुरक्षा कैसे की जाए हमारे बॉर्डर्स की, इसी विषय पे बातचीत है। तो ये अच्छी मीटिंग हो रही है यहाँ पर एफआरआई के अंदर, जो जिजिका की उत्तराखंड को भी बहुत फायदा सुरक्षा की दृष्टि से, बॉर्डर की सुरक्षा की दृष्टि से फायदा मिलेगा। ठीक है सुनीता विद्यार्थी जी, ठीक है गिरधर जी मैं इसके बाद आपके पास आती हूँ। सुनीता विद्यार्थी जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिये विपक्ष के बड़े सारे सवाल है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आएंगे तो जवाब देंगे, देंगे क्या? देखिए यशी जी मैं तो बड़ी हैरान हूँ ये सब सुनकर कि इनको पर्टिकुलर एक बात का इन्होंने बार बार जिक्र किया। देखिए जो चीजें का कोर्ट में विवेचनाधीन है अगर उसके निर्णय भी जनप्रतिनिधि लेना शुरू हो जाएंगे तो मुझे लगता है इससे बड़ी बेवकूफी की कोई बात नहीं हो सकती। अगर इनको इतनी फिक्र है तो अंकिता भंडारी से पहले इन्हीं के युवा मोर्चा के सचिव थे जिन्होंने गैंग रेप किया था 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में क्लेमेंट टाउन में, उनके लिए इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई कभी भी? ये जो बेचैनी रस्तोगी जी की यहाँ पे आप देख रहे थे ना, जो हिल रहे थे, पूरी कांग्रेस ऐसी ही जड़ों से उखड़ चुकी है और अब इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। भाई निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, ये इतने जघन्य अपराध हैं लेकिन कांग्रेस इतनी बचकानी हरकतें करती हैं कि इन बच्चियों की इज्जत लुट जाती है, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है लेकिन उसमें भी राजनीति करती है। निर्भया कांड में तो आप दिल्ली में थे, फिर आपने क्यों नहीं वहां पे तुरंत उसको जो है फांसी लगवा दी? और तुरंत जो अगर कोर्ट से आपको दिक्कत है तो कोर्ट में जाइए, हम तो चाहते हैं हमारे बच्चों को ये न्याय मिले, किसी भी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। कल को किसी की भी लड़की हो सकती है, मेरी हो सकती है, आपकी हो सकती है, किसी और की हो सकती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि देवभूमि में रहने वाले लोग कब से इतने निर्लज हो गए, क्यों नहीं समझ में आता है? लेकिन अगर हमारी सरकार की कहीं कमियां हैं, अगर हमने उनको पनाह देकर सजाया हुआ है तो आप बोलिए यहां पर, तब बोलिए कि भाई हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ने तुरंत जैसे ही मुद्दा आया उनको पकड़कर जो है गिरफ्तार करवाया और उन पर हर तरीके से, देखिए अंकिता भंडारी का मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को भी दिल से जो है उनको, सभी लोगों को दुख है, सब लोग न्याय चाहते हैं लेकिन बार बार डिबेट में एक ही बात अलापना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बाकी बच्चियों के साथ में जो पूरे देश के अंदर हैं जिनके साथ रेप होता है उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके लिए आवाज नहीं उठा सकते? आपके कांग्रेस के लोग अगर ऐसे मामलों में फंसते हैं तो आप तो उनको सजा के रखते हैं। कितने लोगों को देखिए अंकिता भंडारी के मामले में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि उनके एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड की बात है मेरी, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अंकिता भंडारी के मामले में क्या आप उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी दे नहीं सकते? ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, फिर भी इसमें ताला मटोली क्यों? देखिए जो कानूनन, राजेश जी अनम्यूट कीजिएगा, हमें उस बच्ची के लिए न्याय चाहिए, हम उस और अपना पूरा वो कर रहे हैं। और अगर ऐसी बात है तो यशी जी देखिए उनके पेरेंट्स ने बोला कि हम उनके लॉयर से जो है सेटिस्फाइड नहीं है, तुरंत हमको लॉयर चेंज करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस पर एक्शन लिया, लॉयर चेंज किया। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति इस तरीके से बहुत ज्यादा वो है तो निश्चित रूप से वो मिल सकते हैं और उनको अपनी योग्यता के अनुसार कहीं ना कहीं जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी उस विषय में करेंगे काम। आज तक आप बताइए प्रदेश में इतने हित में, प्रदेश हित में कार्य किए जा रहे हैं, क्या हम लोग नहीं चाहते कि ऐसे लोगों को जो है जल्दी न्याय मिले? हम लोगों को भी दुख होता है क्योंकि बार बार बींग अ वुमेन तो मैं कहती हूँ कि मुझे ऐसे विषय पे इतनी चीजें जो होती हैं ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं। कब हम बहनों को जो है न्याय मिलेगा और कब हमारे भाई लोग छोड़ेंगे इन चीजों को कि भाई हम लोग इन पर राजनीति ना करें? अब हिंदुत्व की बात ये बार बार करते हैं कि जी इनके लीडर्स आते हैं मंदिर जाते हैं, हिंदू तो कांग्रेस पार्टी में भी हैं, क्यों नहीं आप अपना कार्ड खेलते? अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का कार्ड खर खेल रही है तो आप क्यों नहीं खेल रहे हैं? आप क्यों उसमें बार बार फेल है? क्या आप हिंदू नहीं है? क्या हमने किसी को मस्जिद जाने से रोका? क्या हमने किसी को चर्च में जाने से रोका? सभी लोग अपने धर्मों में जो जो हैं वो अपने नियमों का पालन करते हैं और ये तो रोज रोज शुक्रवार को इनकी वो होती है अपनी पूजा पद्धति रहती है। हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, हम लोग मंदिर में चले जाते हैं तो क्यों तकलीफ हो जाती है? कैसी कांग्रेस हो गई? मेरे को तो बड़ा, मैंने कांग्रेस पढ़ी है, देखने का तो हमें समय नहीं मिला लेकिन हमने पढ़ी है। इस अभी की जो इस पीढ़ी के जो कांग्रेस नमूने पेश कर रही है ना, बहुत शर्म की बात है कि आपका बैकग्राउंड कम से कम, बहुत मुद्दे हैं जहां पे आप गलत रहे देश के प्रति लेकिन कुछ काम तो आप लोगों ने अच्छे किए हैं, क्यों आप भद पिटा रहे हैं? और राहुल गांधी कब आए भाई उत्तराखंड में बताइए? जेट प्लेन से उतरे थे ऋषिकेश में और अपना फटा कुर्ता निकाल दिया बाहर की मेरी जेब तो फटी हुई है, खाली पड़ी है। नालायक को शर्म नहीं आती किसी को भी ऐसी बातें बोलने के लिए?
अरे भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो है, कब तक बनाते रहोगे? 60-65 वर्षों तक आपने यही किया, अब जनता आपका दोहरा चरित्र अच्छे से समझ चुकी है। देखिए धरातल पर उतरिए, काम कीजिए। आपको भी 19 विधायक दिए जनता ने, आप पे विश्वास किया, लेकिन नदारद हैं सभी लोग। सब गायब है, गाली गलोच कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। कहीं पे एक काम बता दीजिए अपने विधायकों का कि आपने जो है जो योजनाएं सरकार की चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी योजनाएं तो नहीं निकाल रहा ना उनके विधायक, विधायक होने का भी कोई फायदा नहीं है। अभी राजेश जी कह तो रहे थे हम सत्ता में नहीं है, क्यों राहुल गांधी जी यहाँ पर आएंगे जब वो सत्ता में नहीं है? इनके जहाँ पे देखिए, चलिए सुनीता जी, राजेश जी, राजेश जी को सुन लेते हैं जरा। राजेश जी अनम्यूट करके अपनी बात को पूरा करें। वहाँ तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वहां क्यों नहीं ये कोशिश कर रहे? चलिए उत्तराखंड से आपको नहीं लगाओ, नहीं मानते आप हमारे श्री रामचंद्र जी को, नहीं मानते आप हमारे चार धाम देवी देवताओं को, लेकिन आप जहां जिनको मानते हैं वहां तो प्रस्तुत होइए। चलिए राजेश जी, राजेश जी अपनी बात को पूरा करिएगा अनम्यूट करके। सुनीता जी प्लीज। मैं खत्म कर रही हूँ, बस खत्म कर रही हूँ, उसके बाद मुझे आपसे माफी भी चाहती हूँ, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा आज। अगर आप गूगल सर्च करेंगे कि रेप स्टेट ऑफ इंडिया कहाँ है, तो रस्तोगी जी से पूछिए, इनकी राजस्थान स्टेट जो है रेप स्टेट ऑफ इंडिया है। शर्मानी चाहिए रस्तोगी जी, दूसरी बार न्याय के लिए बात कीजिएगा, बच्चियों के लिए राजनीति मत कीजिए। कोई भी हो सकता है, कोई भी महिला हो सकती है। ऐसे दरिंदों को मैं कहती हूँ कि सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन हमें कानून पे भरोसा भी तो करना है, उनकी नियम कानून भी तो मानने हैं, हम क्यों बन जाए जज। ठीक है राजेश जी, अनम्यूट कीजिए राजेश जी। अभी भाजपा की प्रवक्ता राहुल जी के बारे में बड़ा अप शब्द बोल रही थी, मेरे इस तरीके के ना मेरी पार्टी के संस्कार है ना मेरे संस्कार। चालीस जी के राजेश रस्तोगी जी, सुनीता जी मैं वापस आऊंगी आप। हाँ राजेश जी अनम्यूट कीजिएगा। माननीय प्रधानमंत्री ठीक तो था, अनम्यूट कीजिएगा राजेश जी। जी चारों धाम यात्रा है हमारे प्रदेश में, देवताओं का प्रदेश इसको बोला जाता है। अभी गृह मंत्री जी का भाषण मैंने भी सुना, आप सब लोगों ने भी सुना। अंकिता भंडारी मामले में नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुआ? यदि नार्को टेस्ट की कोई अप्लीकेशन लोअर कोर्ट में खारिज हो गई तो उसका अपील हाई कोर्ट में क्यों नहीं किया गया, एक बात। दूसरी बात, उत्तराखंड की जनता एक ही बात तो चाहती थी, कांग्रेस नहीं उत्तराखंड की जनता चाहती थी कि इसकी सीबीआई जांच हो। जब सीबीआई जांच होती तो अंकिता भंडारी के मामले में वो जो कोई बहुत बड़े नेता हैं जो काली गाड़ी में आए थे वो सब स्थिति साफ हो जाती। कोई अगर नहीं था तो वो भी क्लियर हो जाता, तो सीबीआई से जांच कराने में क्या आपत्ति थी भाजपा, ये तो बताए ना, ये आपत्ति थी। दूसरे बात, अभी भाजपा की प्रवक्ता नाम बता रही थी निर्भया कांड में, निर्भया कांड में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तत्काल विदेश भेज दिया था और एक साल के अंदर जजमेंट आ गया था, सबको फांसी लगी है, किसी को बचाया नहीं गया, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, स्पेशल एजेंसी को जांच सौंप दी गई। एक साल में फांसी की सजा सुनाई, 7 साल लग गए निर्भया को इंसाफ मिलने में। अभी तसल्ली रखी आप, और राहुल जी ने उसके निर्भया के भाई को नौकरी दिलवाई, सरकारी नौकरी। जरा ये बताएं, इनका तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, उसके परिवार को किसी को नौकरी दिलवाई ना, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए भाजपा वाले कहीं। दूसरी बात, आज उत्तराखंड राज्य के सीमावर्ती जो गांव हैं वो खाली हो रहे हैं, आप यहाँ गाल बजा रहे हो, बड़ी दिक्कत है। संजय गुप्ता जो इनके संगठन के पदाधिकारी थे, किस तरीके से उनका नाम आया, क्या उस पर कार्रवाई हुई? अभी जो ये बात बता रही थी, एक मंत्री है इसी केस से जो विधायक बनते हैं, उनके पुलिस के थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज है। अरे बदतमीजी करते फिर रहे हैं ये। अभी जो प्रवक्ता बोल रही थी उनकी भाषा किस तरीके की थी। हाँ मेरा ये कहना है, माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, उनका स्वागत है और सभी दलों को करना चाहिए और करते भी हैं,
और सरकार को भी और इन्हें भाजपा नहीं, फिलहाल आपको स्वागत नहीं करना है राजेश जी, फिलहाल आपको आपके ये जो मुद्दे हैं उन तक पहुंचाने हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, तभी आप विपक्ष की भूमिका को निभा पाएंगे। जी वो मुद्दे जब तो जाएंगे जब बुलाएगी सरकार, गृह मंत्री के पास कौन चला जाएगा, एक प्रेस रिपोर्टर नहीं फटक सकता इनके पास। राजेश जी आपको आपको पत्र लिखना पड़ेगा और आपको पता था उनका प्रस्तावित दौरा है, विपक्ष तैयार था तो आप पहले से उनको पत्र लिखकर भेजते, आप अभी भी पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांग सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपको पता है कि केंद्रीय गृह मंत्री से आप मिल सकते थे, आपका एक डेलीगेशन मिल सकता था उनसे, अगर आप मिलने का इच्छा रखते तो। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, विपक्ष की क्या तैयारी है? बहुत नहीं नहीं राजेश जी देखिए बहुत गलत बात है, आप विपक्ष की भूमिका में है अलग बात है, लेकिन आपको विपक्ष सिर्फ डिबेट में अंकिता भंडारी चीख चीख कर कह देने से उसे न्याय नहीं मिल जाएगा, न्याय मिलेगा धरातल पर। ठीक है अनिल थपली आज, उसके बाद मैं आऊंगी गिद्धा जी आपके पास। अनिल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। जी जी जी, अभी केंद्रीय मंत्री जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री अपना अमित शाह जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और अगर ऐसा होता है इन तीन कानूनों के अंतर्गत तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी सुरक्षा, हमारा पुलिस प्रशासन मजबूत रहेगा, और जो भी ये आपराधिक मामले हैं ये फास्ट ट्रैक में फटाफट होंगे। रहा सवाल अंकिता कांड का या अन्य मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे तो यही है कि डिबेट में तो जो चर्चा कर रहे हैं तो ये हम तो किसी को बताएंगे नहीं ना कि हम क्या करने जा रहे हैं, मुझे क्या करना है या मेरे दल को क्या करना है, या मुझे कब घेराव करना है, या मुझे कब उनसे डेलीगेट्स के रूप में वो लेना अनुमति लेनी है, ये सारी चीजें हम लोग तैयारी करेंगे अपने तरीके से जाएंगे। दिस इज नॉट द परफेक्ट एटीट्यूड, क्योंकि आप ये जरूर बता सकते हैं कि हमारा डेलीगेशन जाएगा, हम आपसे तिथि समय तारीख नहीं पूछ रहे हैं कि आप कितने बजे जाएंगे उनसे मिलने, और आपको नहीं बताना है वो एक अलग विषय, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कौन गृह मंत्री से मिलने जा सकता है, इसलिए अब इस बात पर खुश होने का आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है आपको पता भी नहीं है कि केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कैसे करनी थी आपके डेलीगेशन को। अनिल थपलियाल जी फटाफट अपनी बात को बहुत कम शब्दों में पूरा करिए, क्योंकि वक्त की कमी है हमारे पास। जितनी चर्चाएं हमारे इनके दौरान हुई है, जो भी जितने भी डिबेट्स हुए हैं उनमें जो अहम मुद्दे हैं उनको लेकर के हम जाएंगे, हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम श्योर जाएंगे, और हम तैयारी कर रहे हैं कि किन कंसर्न ज्यादातर हम इन चीज को चर्चा गृह मंत्री जी और अपने माननीय यशस्वी क्या नाम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करेंगे कि उन्होंने उत्तराखंड के दौरे तो पहले भी किए थे और धार्मिक स्थलों पे उन्होंने जो विकास किया है, तो क्या राज्य संपूर्ण राज्य का विकास भी उसी प्रकार रहेगा, और जो योजनाएं अभी तक आपने सेंट्रल और राज्य में मिलकर ज्वाइंट दी थी उनमें क्या क्या रहा, या जो अपराध उत्तराखंड डेलीगेट्स का वो बनाया हुआ है, जब भी विपक्ष एकत्रित होकर के अगर इनमें से कोई आना चाहेगा ठीक है, नहीं तो यूपीडी अपना रेडी है, ठीक है, ठीक है, करना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है गिरधर जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी बहुत कम शब्दों में। बस एक चंद शब्दों में तो नहीं कहूंगा कि भाजपा कांग्रेस की या विपक्ष की स्ट्रेटजी में एक ही फर्क है कि जब भाजपा चुनाव जीतती है कहीं भी किसी भी देश में किसी भी राज्य में, देश के चुनाव हो या राज्य का चुनाव हो, तुरंत जो है उनकी मीटिंग अगली बैठक शुरू हो जाती है दो दिन बाद ही, वो लोग जश्न मनाने में समय व्यतीत नहीं करते, और अन्य जो पार्टी होती है जब जीतती है तो महीनों जश्न मनाती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 24 हर 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, और उनके चाहे युवा मोर्चा हो चाहे महिला मोर्चा कोई संगठन हो, हर महीने हर हफ्ते उनकी मीटिंग होती है, क्योंकि हम तो कवर करते हैं, हम थक जाते हैं कि भाई कब का मीटिंग, उनकी हर मीटिंग में जाते रहे तब तक कवर करते हैं, उनके हर हफ्ते कोई ना कोई मीटिंग होती है, लेकिन कांग्रेस की महीने दो तीन महीने में हम जाते हैं मीटिंग करने, कोई मीटिंग होती है महिला मोर्चे की या युवा मोर्चे की या अल्पसंख्यक मोर्चे की या उनके जो उनके मोर्चे, कोई मीटिंग हमने कवर नहीं करने जाते ना, हमें कोई पता चलता है, लेकिन देखिए गिरधर जी यही समस्या है कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनानी नहीं है और सिर्फ आरोप लगाने से काम चलेगा नहीं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल उत्तराखंड में ही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री और अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो यहाँ पर वो मध्य परिषद की जो बैठक है उसमें सम्मिलित होने के लिए आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तराखंड की समृद्धि के लिहाज से माना जा रहा है।